हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी होने वाला है चैनल मोनेटाइज और आप लोग जानना चाहते हो कि यूट्यूब के कितने व्यूज़ पे कितने पैसे आप लोगों को मिलते हैं, कितने व्यूज़ पे आप लोगों के कितने डॉलर बनते हैं, आप लोगों का RPM क्या होगा, आप लोगों का CPM क्या होगा, आप लोगों को दोस्तों इस वीडियो में मैं अपने फर्स्ट वीक की अर्निंग दिखाने वाला हूँ कि मेरे फर्स्ट वीक की अर्निंग क्या हो चुकी है। और आप लोगों को अगर जानना है कि आप लोगों का RPM और CPM किस बेस पे डिसाइड होता है, सो दोस्तों A to Z डिटेल इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों को पूरी डिटेल दूंगा कि आप लोगों का चैनल मोनेटाइज होने के बाद आप लोगों को क्या नहीं करना है कि आप लोगों के जो डॉलर हैं वो कम बने। सो दोस्तों आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है जो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा वीडियो में। उससे पहले आप लोगों को मैं अपने फर्स्ट वीक की अर्निंग दिखा देता हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितने व्यूज़ पे मुझे कितनी अर्निंग मिली है। सो दोस्तों अगर आप लोगों के भी होने वाले हैं 1000 सब्सक्राइबर पूरे, तो आप लोगों को दोस्तों सिंपली आप लोगों को अपना चैनल उसके बाद मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर देना है। 1000 से ऊपर जैसे ही हो 10-15 आप लोगों को अपना चैनल मोनेटाइज के लिए भेज देना है, आप लोगों का चैनल मोनेटाइज हो जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर। सो उसके बाद आप लोगों को दोस्तों अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ मेरी जो फर्स्ट वीक की अर्निंग आप लोगों को लाइव। तो आप लोगों को एनालिटिक्स में आ जाना है। जैसे ही आप लोग एनालिटिक्स में आओगे, सो यहाँ से थोड़ा सा मैं साइड में करता हूँ और यहाँ पे रिवेन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। रिवेन्यू पे क्लिक करने के बाद रिवेन्यू पे क्लिक, यहाँ पे 7 डेज़ मैंने सिलेक्ट किया है। 7 डेज़ में जो मेरी अर्निंग हुई है $2.66 की हुई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो मेरी अर्निंग है दोस्तों, ये है 20 सितंबर को जो मेरी अर्निंग हुई है, 20 सितंबर को वो हुई है 0.46 और 21 तारीख को ये हुई है 0.41, 22 तारीख को 0.40, 23 तारीख को 0.36। अभी मैं आप लोगों को इसके व्यूज़ भी दिखाऊंगा किस कितने व्यूज़ पे कितने मुझे यहाँ पे डॉलर मिले हैं। और यहाँ पे 25 पे 0.32 और दोस्तों 26 पे 0.37। ये मेरी फर्स्ट वीक की अर्निंग है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब दोस्तों कितने व्यूज़ पे कितनी अर्निंग हुई है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हम इसे बैक करते हैं और यहाँ से हम आते हैं ओवरव्यू में और यहाँ पे व्यूज़ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे व्यूज़ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से 7 डेज सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरा जो चैनल था, आप लोगों को पता है मेरा 1007 सब्सक्राइबर हो चुके थे, तब मैंने मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर दिया था। सो अगले दिन ही मेरा मोनेटाइज होके आ गया था। तो आप लोगों के भी 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर जैसे ही हो जाए आप लोग मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि मोनेटाइज में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को जल्दी मोनेटाइज करना है तो आप लोगों को पहले ही अपना गूगल एडसेंस अकाउंट बना लेना है। आप लोगों को अपना गूगल एडसेंस अपने यूट्यूब चैनल पे जब मोनेटाइज हो तब आप लोगों को डालना है। आप लोगों का फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप दोनों बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा 5 मिनट के अंदर, और आप लोगों का थर्ड स्टेप जो होगा आप लोगों का 24 घंटे से पहले ही यहाँ पे ओके हो जाएगा, डन हो जाएगा। ये ट्रिक मैंने भी अपनाई है, 2-3 जनों को मैंने और बताई थी, सबके जल्दी से जल्दी हो गए थे। तो आप लोग गूगल एडसेंस में अकाउंट अपना बना लें। अगर आप लोगों को नहीं बनाना आता तो आप लोग मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो। सो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरी जो 20 तारीख की जो व्यूज़ आए थे वो आए थे 1291 और यहाँ से 21 तारीख को 1251, 22 तारीख को 1135 और 23 तारीख को 1059, 24 तारीख को 869, 25 तारीख को 923। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और 26 तारीख को आए हैं मेरे यहाँ पे, 26 तारीख को 922। सो इस बेस पे मेरे जो डॉलर बने हैं 1200 व्यूज़ पे मेरे डॉलर बने 0.46। तो आप लोग देख सकते हो अब ये कितने CPM पे बने हैं वो आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का भी जो डॉलर बनने वाला है वो कुछ इसी तरीके से बनने वाला है। तो आप लोगों को इसकी नॉलेज होनी चाहिए, आप लोग अपने CPM को अभी से बढ़ा लें। तो आप लोगों का जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू पे आप लोग जाएंगे, यहाँ से आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों का वीडियो परफॉर्मेंस जो दिखाई देगी, इसके नीचे रिवेन्यू फॉर एवरी 1K व्यूज़ RPM। तो RPM मतलब रिवेन्यू पर माइल। आप लोगों का जो रिवेन्यू पर माइल है वो 0.27 है अभी मेरा,
तो आप लोगों का अगर शुरू शुरू में जब मोनेटाइज होगा तो यहाँ पे 0.02 होगा दोस्तों, 0.03 होगा, 0.01 होगा, इतना ही होगा। इससे ज़्यादा आप YouTube किसी को भी नहीं देता फर्स्ट डे की जो उनकी अर्निंग होती है डॉलर बनते हैं, तो वो आप लोगों के कुछ 1-2 रुपये, 4 रुपये के बराबर होंगे। अब इसके बाद जो आप लोगों का CPM है, वॉच पेज ऐड में जाएंगे। अब यहाँ पे CPM आप लोगों का 0.74 अभी मेरा इस टाइम है, आप लोगों का यहाँ पे 0.75, 0.65 ऐसे कुछ हो सकता है। और CPM को कॉस्ट पर इम्प्रेशन कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग इसके नीचे देख सकते हो अर्निंग बाय एड टाइप, जो हमारे वीडियोस पे ऐड लगती है वो कुछ इस तरीके की ऐड लगती है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो स्किपिंग ऐड, बम्पर, ये सब चीज़ें। अब आप लोग अपने RPM और CPM को कैसे बढ़ा सकते हो, तो दोस्तों अगर आप लोगों के पास अच्छे सब्सक्राइबर हैं, आप लोग अपनी वीडियोज़ डालते हो, आप लोगों के सब्सक्राइबर आप लोगों की वीडियो पर क्लिक करते हैं, सो दोस्तों आप लोगों का RPM यहाँ पे बढ़ना लग जाता है। आप लोग अपने मोनेटाइज जब चैनल कर दोगे 10 से 15 दिन महीने भर आप लोगों के बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आएंगे, जैसा कि आप लोग मेरी भी यहाँ पे देख सकते हो मेरे चैनल पे अभी व्यूज़ नहीं आ रहे। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोनेटाइज के बाद यूट्यूब हमारे व्यूज़ कम कर देता है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मैंने कुछ सुना है यूट्यूब के बारे में, तो दोस्तों YouTube का ये कहना होता है जो जब तक कोई भी YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं होता, जब तक YouTube की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस चैनल को ग्रो कराने के लिए। जैसे ही YouTube का कोई भी चैनल ये हो जाता है मोनेटाइज के लिए अप्लाई और यहाँ से उसका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तो दोस्तों YouTube जो इम्प्रेशन उसका भेजता है वीडियोज़ का वो भेजता है, लेकिन उसको बहुत कम भेजता है। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी होगी तो आप लोगों का वीडियो भेजेगा, अगर नहीं होगी तो नहीं भेजेगा। तो दोस्तों 1-2 महीने तक आप लोगों के वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आएंगे मोनेटाइज होने के बाद। उसके बाद दोस्तों आप लोग जैसे जैसे मेहनत करते रहोगे YouTube आप लोगों के जो वीडियो है उसको आप लोगों का भेजता रहेगा, इम्प्रेशन भेजता रहेगा, लोगों के क्लिक बेट आएंगे, आप लोगों के डॉलर अच्छे खासे बनने लग जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये मैंने कुछ दिन से देखा है यूट्यूब पर, जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल आप लोगों के सामने मोनेटाइज किया है तब से दोस्तों मेरे व्यूज़ भी गिर गए हैं। और मैंने यहाँ पे देखा है कि यूट्यूब ने यहाँ पे साफ साफ गाइडलाइंस में लिख रखा है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले बनती है जो नए यूज़र्स होते हैं, नए यूट्यूब पे चैनल होते हैं। सो जैसे जैसे हमारा चैनल पुराना होता रहेगा इस पर जो दोस्तों आप लोगों को डॉलर दिख रहे हैं ये डबल होते रहेंगे। आप लोगों को अभी 0.46 मिलेगा, तो आप लोगों को 2-3 महीने के बाद आप लोगों को 0.76 मिलेगा, 0.85 मिलेगा, आप लोगों का $1 भी हो सकता है एक दिन का। तो दोस्तों ऐसे ही ऐसे करके आप लोगों के चैनल पे ग्रो होते रहता है। आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है, जब आप लोगों का चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ कि आप लोगों के व्यूज़ कम आने लग जाएंगे, लेकिन आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर मेहनत करते रहना है, आप लोगों का यूट्यूब चैनल एक ना एक दिन ग्रो हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों आप लोगों के वीडियोस, आप लोगों की यूट्यूब वीडियो एक भी कोई भी वायरल होगी, आप लोगों का यूट्यूब चैनल अपने आप ही ग्रो हो जाएगा और यूट्यूब अपने आप सारी वीडियो को इम्प्रेशन सारी वीडियो का भेज देगा और आप लोगों की सारी वीडियो वायरल हो जाएंगी और आप लोगों के अच्छे खासे व्यूज़ आप लोगों की वीडियोज़ पर आ जाएंगे। सो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है, अगर आप लोग चैनल अपना मोनेटाइज करने जा रहे हो, सो दोस्तों इन बातों का आप लोग ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों ये आप लोगों के काम आने वाली है। मैंने तो ये फेस करा है, तो मैं नहीं चाहता मेरे जो सब्सक्राइबर हैं इस चीज़ को फेस करें और इस चीज़ के लिए टेंशन में आए, परेशान हों। तो मैंने आप लोगों को बात बता दी है खुल के कि मोनेटाइज होने के बाद क्या क्या होने वाला है, तो उसके लिए आप लोग पहले से ही प्रिपेयर हो जाएँ। सो दोस्तों इस वीडियो में भी इतना ही। अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।